वेल बिग बॉस की ये एक्स कंटेस्टेंट तलाक के बाद एक बार फिर से शादी करने के लिए तैयार है। आखिरकार कौन है ये, किसके बारे में हो रही है इस तरह की बातें, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वेल आपको बता दें यहाँ पर कि देखिए बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उनमें से एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो लगातार आपको एक नहीं बल्कि दो बार नज़र आ चुकी है, और इन दोनों ही बार में जो धोखा उनके साथ हुआ है वो आज तक हर किसी को याद है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रश्मि देसाई की। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि रश्मि देसाई, जिनका नंदीश के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और उसके बाद में फिर उन दोनों की शादी के बाद डिवोर्स, नच बनिए, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रही है। अब ऐसे में आपको बता दें, जब बिग बॉस के घर के अंदर रश्मि देसाई आई थी, अरहान खान के साथ में आई थी, और जब वो आई हैं और आने के बाद अरहान के साथ में उनके अफेयर की बातें तो चल ही रही थी, और जिस तरीके से खुद सलमान खान ने अरहान खान की सारी जो कैसे फोल पट्टी जो खोली थी, सलमान खान ने खुद रश्मि को समझाया था, हर चीज़ हुई थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं फैंस को बहुत बुरा लगा था, बहुत हर्ट हुआ था कि रश्मि देसाई के साथ में इतना बड़ा धोखा चल रहा था और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। वह आपको बता दें कि अरहान ऑलरेडी मैरिड और ऊपर से उनका एक बेटा, और ये सारी बातें रश्मि देसाई को पता ही नहीं थी। खैर, अब आपको बता दें कि रश्मि देसाई क्या एक बार फिर से शादी के लिए तैयार है। दरअसल सोशल मीडिया पर चलो भाई कुछ भी पूछो एक सेशन जो है वो शुरू किया था रश्मि देसाई ने, जिसमें रश्मि देसाई से पूछा गया कि अब आप शादी कब कर रहे हो, जिसमें रश्मि देसाई टैग करते हुए कहती हैं कि अभी फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है, और साथ में उन्होंने अपना एक इमोटिकॉन यूज़ किया था जो कि कॉमेडी इमोटिकॉन है। सो गाइस, आप लोगों से पूछना चाहूँगी आप लोग क्या कहना चाहेंगे, और ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है, आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप लोग की क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।